हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कोमल विष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको आर्मी जीडी के सैंपल पेपर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे हमेशा पूछे जाने की संभावना होती है। और हाँ दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आर्मी जीडी सैंपल पेपर 2018 के लिए। जो हमारे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन हैं, जो हमारे डिफरेंट टॉपिक से लिए गए हैं, जैसे हमारा एलसीएम से या रेशियो से या फिर अनुपात समानुपात, इस तरह से हमारे जो है डिफरेंट टाइप के टॉपिकों से हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिनके आने की मैक्सिमम संभावना होती है। और यदि आप इनको अच्छी तरह से समझेंगे तो इन टॉपिकों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं आसानी से। और कंपटीशन में आर्मी में जो है हमेशा जो है सिलेक्टेड टॉपिकों से ही क्वेश्चन लिए जाते हैं, और आप इनको ध्यान से देखेंगे तो उन क्वेश्चन को कर पाएंगे आप। तो देखिए, हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा एलसीएम से रिलेटेड है, लॉसो से रिलेटेड है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पर बताना है 7/90, 14/15 एंड 7/10 का एलसीएम क्या होगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारे भिन्न की फॉर्म में है। हमने एलसीएम नॉर्मली जैसे हम नंबर का निकालते हैं, सामान्य जैसे संख्याओं का निकालते हैं, वैसे हम लॉसो को जो है भिन्नों का भी निकाल सकते हैं, फ्रिक्शंस का यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, देखिए हमारा फॉर्मूला होता है एलसीएम का, जो हमारा भिन्न का एलसीएम निकालना होता है उसके लिए हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला होता है, उसको आप यहाँ पे देखेंगे। एलसीएम किसका? भिन्न के लिए, भिन्न के लिए एलसीएम क्या होता है, देखिए तो हमारा फॉर्मूला होता है एलसीएम अंश बट्टे एलसीएम एचसीएफ हर। तो जो हमारा अंश होगा उसका हमें एलसीएम निकालना है, और जो हर होंगे उनका एचसीएफ निकालना है। तो इस तरह से इसी फॉर्मूले में हम रख देंगे, जो ये हमारा फॉर्मूला इसमें पुट अप कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, एलसीएम किसका निकालेंगे हम, अंश, अंश में क्या क्या है उनको यहाँ पे लिख लेंगे आप, 7, 14 और 7, तो 7, 14 और 7 है, और बट्टे अपॉन में आएगा एचसीएफ ऑफ क्या, जो हमारे नीचे हैं, जो हमारे अपॉन में है 90, 15 और 10। देखिए नीचे है हमारे हर में 90 और 15 और 10। तो अब आपको इस प्रोसेस किया, इसको आपको सॉल्व करना है। एलसीएम निकालना आपको 7, 14, 7 का, और एलसीएम आपको निकालना आता ही होगा, बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं एलसीएम। एलसीएम हमारा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कम से कम ऐसा नंबर जिसमें इन सभी का भाग जाए। तो ऐसी थोड़ी से थोड़ी संख्या क्या होगी, यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है वह संख्या 14 होगी, क्योंकि 14 में 14 का भी भाग जाता है, 7 का भी जाता है, और दूसरा भी 7 ही है हमारा। तो इस तरह से इसका एलसीएम जो है इनका तीनों का 14 हो जाएगा। और वैसे एचसीएफ निकालना है आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सभी में अधिकतम कॉमन हो। अब सभी में अधिकतम कॉमन क्या होगा, देखिए आप इसके लिए इनको फैक्टर भी कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर लिखा 90 किया, 15 किया और 10 किया। अब आपको एचसीएफ निकालना है इसका, तो क्या करेंगे आप, देखिए इसको लिख सकते हैं आप, 5 × 5 × 3 आ रहा है, 5 × 2 आ रहा है, और इसका भी यहाँ पे देखिए 5 × 3 × 6 आ रहा है देखिए, या आप सीधे इसको 5 × 18 भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पर 5, 5, 5 सभी में आना चाहिए, जो उसे ही हम एचसीएफ मानते हैं, क्योंकि एचसीएफ जो हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो सभी में कॉमन आए उसको हम लेते हैं। देखिए एक ही नंबर ऐसा है जो सभी में आ रहा है, और वो क्या है, वो हमारा 5 है, 5 ही केवल सभी में आ रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका जो एचसीएफ होगा इन सभी का वो 5 हो जाएगा। तो 14 यहाँ पे 14/5 आ गया, 14/5, जो इन तीनों भिन्नों का क्या होगा, लॉसो होगा अर्थात एलसीएम होगा। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई दिख रहा है हमें, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे बहुत ही आसानी से इसको निकाला। अब इससे रिलेटेड आप किसी भी भिन्न का आपको जब एलसीएम निकालने को आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे वहां पे, और नॉर्मली यहाँ पे अंश का, जो भी अंश होंगे उनका सभी का क्या निकाल देंगे, लॉसो पर निकाल देंगे। लॉसो पर आपको निकालना आता ही है, एक ऐसा नंबर जिसमें सभी का भाग जाए, और वो सबसे छोटा होना चाहिए। हमने यहाँ पे 14 लिया, देखिए 14 में 7 का भी जाता है, 14 का भी जाता है, और आप इससे बड़ा नहीं ले सकते क्योंकि हमें लिस्ट देखना पड़ता है सभी छोटा। और वैसे ही आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो सभी में कॉमन आए वो वाला नंबर सेलेक्ट करना पड़ता है।
तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 5 आ रहा था, तो हमारा एशिया हो गया, तो 14/5 इसका आंसर आ गया। अब देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है अनुपात से रिलेटेड है, रेशियो से रिलेटेड। तो रेशियो में हमें अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन जिस प्रकार के, वैसे हमारा यहाँ पे है। यदि ए अनुपात बी बराबर 6:7 और बी अनुपात सी बराबर 8:9, तो ए अनुपात सी क्या होगा? अब आपको यहाँ पे निकालना है ए अनुपात सी क्या होगा। अब इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे इसकी दो मेथड हैं। जैसे हमें यहाँ पे ए अनुपात बी दिया है और बी अनुपात सी दिया है, तो आपको निकालना है ए अनुपात सी। कभी कभार ये भी आ जाता है कि आप निकालिए ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए, जब आपको ये दोनों दिए होते हैं, तो आप जो है उस मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसी का हम पहले बताते हैं देखिए, क्योंकि उससे आपको दोनों टाइप के निकल जाएंगे। जैसे आपको दिया है ए अनुपात बी बराबर 6:7, या आप इसको लिख सकते हैं ए बट्टा बी बराबर 6/7। ये हो गया आपका पहला वाला रेशियो, क्योंकि रेशियो का मतलब हमारा एक रेशियो एक तरह से जो है हमारी भिन्न ही होती है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। और जो है बी अनुपात सी, अर्थात बी अनुपात सी बराबर 8:9, या आप कर सकते हैं बी बट्टे सी बराबर इसी को 8/9। तो ये आपका यहाँ पे इतनी सारी क्वांटिटी जो आपको दी थी वो आपने निकाली। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे बहुत बार पूछ लिया जाता है इन्हीं में से ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, और यहाँ पर आपको जो पूछा गया है वो पूछा गया है ए अनुपात सी क्या होगा, तो आप इसी से निकाल लेंगे। देखिए पहले इसको आप निकाल लीजिए। अब ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आप देखिए जो नंबर आपका रिपीट हो रहा है अनुपात में, अनुपात में जैसे यहाँ पे ए अनुपात बी और यहाँ पे बी अनुपात सी, तो आपका देखिए बी रिपीट हो रहा है, देखिए दोनों जगह पे बी रिपीट हो रहा है, तो आपका बी का जो मान होगा दोनों में बराबर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए बी की जगह पे क्या है 7 है, और यहाँ पे देखिए बी की जगह पे क्या है 8 है, तो अब 8 और 7 जो है बराबर नहीं है, तो इसलिए आप क्या करेंगे 8 और 7 को बराबर करेंगे। अब बराबर कैसे करेंगे, फिर से वही एलसीएम लेकर के, 8 और 7 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको वहाँ पर पता लग जाएगा कि दोनों में जो है कौन सा नंबर बराबर आएगा। तो 8 का जब और 7 का एलसीएम जो है 56 होता है, 8 7 56, तो यहाँ पे इसको आप 56 कर दीजिए। अब इसको 56 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 56 करने के लिए आपको 8 से गुणा करना पड़ेगा इसको, देखिए 8 7 56, और नीचे 8 से गुणा किया तो ऊपर भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मान में चेंज नहीं करना है, परिवर्तन नहीं करना है। तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे 48/56 आ गया, देखिए तो ये आपका नया अनुपात आ गया, ये अनुपात भी आपका 48/56 आ गया। अब वैसे ही आपको इसमें चेंज करना है, बी बट्टे सी बराबर 8/9 है। अब आपको यहाँ पे देखिए बी ऊपर है, आपका ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पे बी, इस केस में बी यहाँ पे नीचे था, लेकिन इस केस में बी यहाँ पे ऊपर है, हमारा अंश में है, तो अंश में है, तो इसको आपको 8 को क्या करना है 56 करना है, जो आपको बी यहाँ पे मिला है यही बी आपको यहाँ पे भी लाना है। तो यहाँ पे 56 करने के लिए क्या करेंगे आप, 8 × 7 कर देंगे, 8 7 56, और ऊपर 7 से किया तो नीचे भी 7 से करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल गया 56/63। तो अब देखिए नए जो आपके अनुपात आए, नए आपके अनुपात आ गए यहाँ पे, ए अनुपात बी बराबर क्या आ गया यहाँ पर 48/56, और वैसी बी अनुपात सी बराबर क्या आ गया आपका 56/963। तो ये आपके नए अनुपात आ गए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, गौर से देखिए, आपका यहाँ पे ये 56 और ये 56 बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ए की, यहाँ पे ए के बाद बी जो है, बी का मान यहाँ पे 56 आ गया दोनों में, इसलिए आप इन दोनों की जगह पे केवल एक 56 लेंगे, दोनों को रिपीट नहीं करेंगे। अर्थात आपको जो ए अनुपात बी अनुपात सी मिलेगा, देखिए ए के लिए क्या आएगा 48 आएगा, बी के लिए 56 आएगा, और सी के लिए 63 आएगा, केवल 3 ही नंबर है यहाँ पे, और वो ए बी सी की जगह पर आ जाएंगे, इसलिए आपका ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा, और 56 आ जाएगा, और 63 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया। तो बहुत बार ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पर जो पूछा गया आपको ए अनुपात सी निकालना है, तो ए अनुपात सी के लिए क्या करेंगे आप, ए और सी को यहाँ पर लेंगे आप दोनों को, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर 48/63 48:63, या आप क्या कर सकते हैं,
और आप यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन में आपको ये कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका यहाँ पर रिजल्ट ये सही है। आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है, अर्थात इसमें कोई कॉमन निकल रहा है, देखिए तीन कॉमन निकल रहा है, अर्थात आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुणा सोल्व करेंगे अनुपात 3 गुणा 21 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका तीन तीन दोनों में बराबर दिख रहा है, तो ये 3 जो है कट जाता है इस केस में हमारा, और बचता है जो हमारा सोल्व अनुपात 21। देखिए ये और ये हमारे दोनों रिजल्ट सेम है, लेकिन केवल इनका क्या है, फॉर्म अलग अलग है। तो आपको ध्यान देना होगा, जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आप इसको और सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेशियो में कभी भी आपको जो है सिंप्लीफाई करते जाना है, जब तक आपका जो है सबसे सिंपल फॉर्म ना आ जाए तब तक आपको सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे आपको यहाँ पर मिला 5:10 मिल गया, तो आपको जो आंसर में दिया होगा वो 5:10 नहीं होगा कभी भी, वो क्या होगा, 5 और इसको 10 को सिंप्लीफाई और करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1:2, क्योंकि 5 से दोनों को डिवाइड कर दिया तो 1:2। तो ये दोनों रिजल्ट सेम है, लेकिन इसी का ये दूसरा फॉर्म है, सिंप्लीफाई वाला फॉर्म, तो आपको ये ध्यान देना है इनमें। और देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे हमने इसको ये पहली मेथड से निकाला, और आपको यदि डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप, जो सेकंड वाली मेथड से इसको ए रेशियो सी आपको निकालना था, जैसे आपको दिया था ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया था, अब इनसे आपको यदि निकालना है ए रेशियो सी, तो ए रेशियो सी का मतलब है ए अपॉन सी, और ए अपॉन सी कैसे निकलेगा आपका, ए अपॉन सी इक्वल टू ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन बी, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे बी से बी कट गया और बचा क्या, ए अपॉन सी बचा, इसी को आप ये लिख सकते हैं, और इनकी वैल्यू आपको यहाँ पे दी है। ए अपॉन बी क्या है आपका, देखिए ए अपॉन बी आपका यहाँ पे ए अपॉन बी इक्वल टू यहाँ पे 6/7 था, तो यहाँ पे 6/7 लिख देंगे ऊपर, और अपॉन, अब देखिए सी बट्टे बी करना है आपको, यहाँ पे बी बट्टे सी नहीं करना है बल्कि सी बट्टे बी करना है, क्योंकि ए अपॉन सी निकालने के लिए आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर अनुपात भी उल्टा करना पड़ेगा। बी अपॉन सी यहाँ पे 8/9 है, तो सी अपॉन बी क्या हो जाएगा, 8/9 का उल्टा कर देंगे आप, तो 9/8 हो जाएगा, तो 9/8 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, पहली का गुणा चौथी से अर्थात 6 का गुणा 8 से 48 हो गया, बट्टे 7 का गुणा 9 से 63 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 48/63 ही आ गया ये, और जब इनको आप जो है काटेंगे 3 से ऊपर नीचे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 16/21 अर्थात 16:21। तो देखिए दोनों रिजल्ट आपके सेम है, केवल क्या अंतर है, आपने यहाँ पर इसको सीधे डायरेक्ट मेथड से निकाला ए रेशियो सी करके, और इसको आपने यहाँ पे इस मेथड से निकाला। अब आपको यहाँ पे ये वाली मेथड यदि आएगी तो आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, यदि आपको ये टाइप ये पूछा जाएगा तो ये भी निकाल लेंगे, और ए सी पूछा जाएगा तो उसको भी निकाल लेंगे। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमारा जो है समानुपात से रिलेटेड है, अनुपात और समानुपात से रिलेटेड। देखिए यदि 3:5 समानुपात 60:x, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारा थोड़ा यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 3:5 समानुपात 60:60 ratio x। अब हमें इसमें एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान बताना है क्या होगा। अब यहाँ पे केवल इतना अंतर है, जो समानुपात है समानुपात को आप क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि जो समानुपात का मीनिंग होता है, जब दो अनुपात समान होते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। जैसे जैसे आपको जो है हमने अभी बताया कि 5:10 और 1:2 क्या है, बराबर है, क्योंकि जब आप इसी को सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर बराबर न लगा के क्या कर देंगे, समानुपात का ये वाला चिन्ह लगा देते हैं, तो इसका मतलब वही होता है कि दोनों अनुपात बराबर है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। अब देखिए हम यहाँ पे वैसे इसको भी समझना है आपको, 3:5 अर्थात 3:5 को आप लिख सकते 3/5 बराबर 60/x। आपको अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ पे भिन्न के रूप में मिल गया, और सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बदर गुणा करके। बदर गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे इसका मंडला इधर और इसका मंडला इधर कर दीजिए, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3x इक्वल टू 60:5, ये मिल गया, और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 60:5 और अपॉन 3। तो इस तरह से आपने 3 से इसको काट दिया, ये आ गया आपका 20:5 इक्वल टू 20 पंचे कितना होता है 100, तो ये आपका 100 आ गया,
और आप देख रहे हैं 100 हमारा ऑप्शन नंबर ये है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। आपने यहाँ पर क्या किया, केवल यहाँ पर समानुपात की जगह पर आपने बराबर कर दिया और अनुपात की जगह पर बट्टा कर दिया, भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और आपको यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गई और इस इक्वेशन को आपने लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गई और लीनियर इक्वेशन को आपने आराम से सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से आपको जब भी समानुपात वाले आएंगे या वो रीजनिंग में आए या फिर मैथ में आए, आपको ध्यान देना है जहाँ पर अनुपात और समानुपात लगे होंगे वहाँ पर आपको अपॉन और बराबर कर देना, और सिंपली आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी और उसे आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं नॉन क्वांटिटी को। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है यह हमारा जो द्विघात समीकरण होती हैं या तीन घात वाली समीकरण होती हैं उनसे रिलेटेड है, एलजेब्रिक फॉर्मूले जो हमारे होते हैं उनसे रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। यदि a प्लस बी बराबर 5 है और a भी बराबर 6 है तो हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। जब भी आपको इस तरफ का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको हमेशा जो चीज़ गिवन है अर्थात जो दी है, तो आपकी तीन चीज़ें हैं यहाँ पर, एक a प्लस बी है और एक ए बी है और एक ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इन तीनों में आपको एक रिलेशन देखना है और उसी रिलेशन से आप जो है अननोन क्वांटिटी को निकालेंगे उसकी यूज़ करके। अब आप देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए प्लस बी और ए बी में क्या संबंध होता है। एक हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन होती है, क्यूबिक इक्वेशन का एक हमारा जो हमारी समीकरण होती है उसका एक जनरल फॉर्म है। अब आपको देखिए इसमें दिख रहा है यहाँ पर ए प्लस बी भी आ रहा है आपका, देखिए ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी आ रहा है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी आ रहा है और ए बी भी आ रहा है देखिए। तो आप देख रहे हैं तीनों यहाँ पर आपको मिल रहे हैं अर्थात ये तीनों में रिलेशन है एक, तो आपको ये याद आना चाहिए वहाँ पे। और इसमें आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको खुद ही यहाँ पे ये अननोन क्वांटिटी मिल जाएगी। ए प्लस बी की जगह पर आप लिख दीजिए 5 और जो क्यूब करना है तो उसको करते जाइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3 ए बी की जगह पर आप लिख दीजिए यहाँ पे आपको जो दिया है 6 और ब्रैकेट में आपका ए प्लस बी की जगह पर 5। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो 5 का जो क्यूब होता है देखिए क्या होता है, 5 × 5 × 5 अर्थात 125 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस देखिए 6 × 3 कितना हो जाएगा 18 और 18 × 5 = 90, तो यहाँ पे 90 आ गया। अब आपको निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको आप लेफ्ट साइड लिया एक साइड रख दीजिए, जैसे आपने इसको यहाँ पे ए प्लस बी इसको अपनी जगह पर रखा इक्वल टू 90 को इधर डाल दिया आपने, तो 125 - 90 हो जाएगा, क्योंकि जब आप इक्वल टू के उधर डालते हैं तो आपके साइन जो है अपोजिट हो जाते हैं। अब आपका यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आ गया, इक्वल टू 125 में से आपको 90 को सबस्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 35। तो ये आपका जो है मान आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का 35 हमारा, और आप देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा यहाँ पे है सही वाला आंसर। तो इस तरह से आपने देखिए बहुत ही आसानी से इसको निकाल लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू को। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है जब भी आपको यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो उनमें आपको एक रिलेशन देखना है, जैसे आप यहाँ पर हमारा क्यूबिक वाला था, हो सकता है यहाँ पर स्क्वायर वाला हो, आपको दिया हो ए प्लस बी और एक दिया हो ए बी और एक दिया हो, निकालना हो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उस केस में आप क्या देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और उसमें आप रखेंगे तो आपको सीधे वहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को यहाँ पर समीकरण को सबसे पहले याद रखना है, उसके बाद ये आपको ट्रिक अपनानी है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन जो होते हैं उनके लिए हमें बेसिकली फॉर्मूले याद होने आवश्यक होते हैं, क्योंकि फॉर्मूलों का ही यूज उसमें होता है मैक्सिमम रूप से। और यहाँ पर आप देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया हमें साइन 18° बट्टे कॉस 72°, इसका मान बताना है हमें साइन 18° और अपॉन कॉस 72°। अब देखिए हमारा हम फॉर्मूले पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पर, इसके उन्हीं फॉर्मूले में से है या एक यहाँ पर लगेगा इसमें। जब भी आपको इन दोनों का योग, इन दोनों का सम 90 दिखे तो उस केस में आप क्या करेंगे, देखिए 90 दिख रहा है यहाँ पर, जब 72 प्लस 18 करेंगे जब आप, तो आप यहाँ पर रफ में करेंगे तो 72 प्लस 18 करेंगे तो इक्वल टू आपको 90 मिल रहा है देखिए।
तो जब आपकी ये यहाँ पे प्रोसेस होती है तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप जो है दोनों में से एक को क्या कर दीजिए, 90 माइनस कर दीजिए। अर्थात जैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, साइन 18 की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, 90 माइनस 72। देखिए 90 माइनस 72 भी तो आपका 18 ही होता है, अर्थात आपने इसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं किया, बल्कि फॉर्म इसकी चेंज हो गई, इसका जो रूप है अलग हो गया। अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस, एक को वैसे ही रख दीजिए, एक को आप 90 माइनस कर दीजिए और एक को वैसे ही रख दीजिए जैसे उसको आप इनिशियल फॉर्म है वैसे ही रख देंगे। अब देखिए आपका जो जो फॉर्मूला एक होता है हमारा, हमारा एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, ये कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाता है। तो आप इसी का यूज करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखिए 90 माइनस क्या है, थीटा, क्योंकि एंगल ही तो है, एक सेंटी टू हमारा एंगल है, तो 90 कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अर्थात 72, और अपॉन हमारा ऑलरेडी है कॉस 72। तो इस तरह देखिए सेम आ गई दोनों की वैल्यू, और इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन जब भी आपको दिखते हैं उनमें आपको यही करना है, या फिर आपको डायरेक्ट ही आपको यहाँ पे इस तरह ऐड करके 90 आ गया और ये साइन और कॉस है तो सीधे 1 आ जाएगा आपका आंसर, 1 देख लेना वहां पे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे अननोन क्वांटिटी निकालनी है हमें, यहाँ पे मिसिंग टर्म वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, मिसिंग टर्म वाले भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत यहाँ पे। तो मिसिंग टर्म में आपको एक प्रॉपर रूल ढूंढना पड़ता है, एक सिक्वेंस ढूंढनी पड़ती है कि किस आधार पर हमारी जो श्रेणी है, सिक्वेंस बनी है, वो बनी है, वो कैसे आगे बढ़ रही है। अब आप यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिया है 0, 2, 6, 12, 30, तो ये दिए हैं 0, 2, 6, 12 और 30, और आपको यहाँ पर बताना है यहाँ पे क्या आएगा आपका। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 0 से 2 में आप जा रहे हैं जब, तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखिए जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आपको 2 जोड़ना पड़ रहा है, अर्थात जब आपने पहले से दूसरा टर्म आपको चाहिए था तो आपने 2 ऐड किया तब तो आपको दूसरा टर्म मिला। अब देखिए जब आप यहाँ जा रहे हैं तो अब आपको क्या करना पड़ रहा है, नेक्स्ट वाले टर्म में जाने के लिए, नेक्स्ट वाले टर्म में जाने के लिए आपको गुणा 2 करके धन 2 करना पड़ रहा है, क्योंकि 2 दुनी 4 धन 2 6, अर्थात जो आपका पहले वाला टर्म था उसको आपने यहां पर ऐड कर दिया, देखिए गुणा 2 किया पहले आपने इसमें, और फिर पीछे वाले टर्म को ऐड कर दिया यहां पे, क्योंकि 2 को आपने ऐड की जब किया इसमें तब आपको यहां पे 6 मिला, तो ये मिल गया आपको। वैसे नेक्स्ट वाला टर्म कैसे आ रहा है, 6 ऐड करके देखिए, आपने जब 6 ऐड कर दिया तो आपको नेक्स्ट टर्म मिला, अर्थात आपने जब इसी टर्म को यहां पर ऐड कर दिया पीछे वाले में तब आपको ये टर्म मिला। तो देखिए अब नेक्स्ट टर्म हमारा जो है कैसे आ रहा है, 30 कैसे आ रहा है, 12 दुनी 24 और धन 6, अर्थात गुणा 2 किया आपने प्लस 6, देखिए फिर से आपने यहाँ पर गुणा 2 और पीछे वाला जो टर्म है प्लस 6 किया, तो इस तरह से आपका आ रहा है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म आएगा हमारा, सीधी सी बात है, वो कैसे आएगा, देखिए ये वाला जब टर्म आया आपने 6 जोड़ा, अब जब ये वाला आया तो 12 दुनी 24 धन 6 किया, अब ये वाला जो टर्म आएगा इसमें आपको सीधी सी बात है 12 ऐड करना पड़ेगा, जो पीछे वाला टर्म उसको ऐड करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे 30 में जब आप यहाँ पे 12 को ऐड करेंगे, 30 प्लस 12 करेंगे इक्वल टू क्या आएगा, 42 आ जाएगा आपका। तो 42 आपका यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा, मिसिंग टर्म जो आएगा आपका वो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा ये। तो इनको आपको देखना है, देखिए आपने यहाँ पे क्या देखा, एक प्रॉपर सिक्वेंस आपने निकाली, पहले 2 ऐड हुआ, फिर गुणा 2 धन 2 ऐड हुआ, फिर धन 6 ऐड हुआ, फिर गुणा 2 धन 6 ऐड हुआ, फिर धन 12 ऐड हुआ, फिर जो नेक्स्ट अगर निकालना होता तो आप क्या करते, गुणा 2 धन वहां पे जो पीछे का टर्म है वो आ जाता आपका, धन 12 आ जाता। तो ये आपको ध्यान देना, देखिए इस तरह से आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस निकालनी है तभी आपको मिसिंग टर्म वहां पे निकल पाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा एक और है मिसिंग टर्म वाला, उसको हम देखते हैं। अब देखिए इसमें हमें दिया है एक सिक्वेंस हमें दी है 4, 9, 13, 22 और 35, और हमें यहाँ पे मिसिंग टर्म निकालना है, अननोन टर्म निकालना है। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए 4, 9, 13, 22, 35, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको यहाँ पे 4 से 9 मिल रहा है, 9 से 13 मिल रहा है, 13 से 22 मिल रहा है, जब 9 प्लस 4 करेंगे आपको क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। देखिए
अर्थात जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को आपने ऐड किया तो आपको ये मिला, यहाँ पे दिख रहा है। और फिर वैसी जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो आपको ये मिल रहा है। और वैसी जब इसी प्रोसेस में आगे बढ़ेगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, ये जो अननोन टर्म है आपका वो मिल जाना चाहिए। और अर्थात जो आपका अननोन क्वांटिटी होगी क्या हो जाएगी, वो 22 + 35, तो ऐड करेंगे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 57 आ जाएगा। तो 57 ही आपकी क्या होगी, यहाँ पे अननोन क्वांटिटी होगी जो अननोन टर्म है, और वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा यहाँ पे। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे क्वेश्चनों को देखा अलग अलग टॉपिकों से, और बहुत ही आसानी से इनको हमने यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे किया। और इसी तरह से आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आप देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। ओके, थैंक्स।